फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो गिटार स्ट्रमिंग विदाउट पिक, तो ये सीरीज का मेरा ये दूसरा वीडियो है। तो लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ आपको चार पांच पैटर्न दिखाए थे, और आज के इस वीडियो में भी हम और कुछ नया पैटर्न आपको दिखाएंगे। और ये सब कोई जैसा रंबा सम्मा बसन होगा ऐसा कुछ ऑथेंटिक पैटर्न नहीं है, क्योंकि ये सब पैटर्न आपको इंटरनेट पर कोई जगह मिल जाएंगे। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि आप खुद को खुद आप पैटर्न तैयार करके, ठीक है, और आपको खुद इंस्टेंट पैटर्न बना के आप बजा सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब कोई कंपोजिशन में काम करते हैं तो इसका ज़रूरत बहुत पड़ता है कि नया पैटर्न हम बनाएं और हम उसको इम्प्लीमेंट करें बजाएं, ठीक है। तो मेरा जो लास्ट वीडियो था वो आप लोग जो लोग अभी तक नहीं देखे तो हम रिक्वेस्ट करते हैं वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हम बेसिक टेक्निक के बात किए थे कि हम जब प्रैक्टम नहीं यूज़ करते, पिक नहीं यूज़ करते, तो हम फिंगर से कैसे इसको हम रिदिम करते हैं, स्टमिंग करते हैं। तो वो बेसिक आप अगर देख लीजिए, एक बार ध्यान दीजिए, तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिए वो वीडियो को। और ये एडवांस वीडियो है, इसमें हम दिखाएंगे कि आप और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप का रिदिम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये सब जो एक समझ लीजिए एक 3/4 रिदिम, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, वाल्स हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3/4 में आप बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न, फिंगर पैटर्न आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक देखिए, बहुत से सिंपल लगता है लेकिन ये टेक्निक है। पहले थंब यूज कर लो, फिर एक अप, फिर एक डाउन, फिर यहां म्यूट कर रहा हूं, फिर लास्ट में एक अप ले रहा हूं, ठीक है। ये थोड़ा स्लो दिखाता हूं, थंब से पूरा, फिर डाउन, फिर अप, म्यूट अप, बस ये इसका पूरा खेल है। है ना, बहुत प्यारा पैटर्न। फिर देखिए नेक्स्ट, आप कोई भी एक सिंगल फिंगर हम यूज नहीं कर रहे, फोर फिंगर एक साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा फ्लेमिंगो स्टाइल आप बोल सकते हैं, जैसे फ्लेमिंगो कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी वही 3/4 कह देंगे, लास्ट में म्यूट ले रहे, इसको चुप कर रहे, एकदम फास्ट वाला, बस एक अप एक डाउन और फिर पूरा 6 to 1st, बस इसको अगर 4/4 कर देते हो, कहां से ले रहे हैं ये स्ट्रोक, यहां से, ये नेल से, थोड़ा स्लो, बस एक है, एक डाउन एक अप, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना। फिर देखिए
एक फर्स्ट फिंगर की, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 1 2 1 2 3 1 3 बस 1 2 3 डाउन अप डाउन 1 2 3 डाउन अप डाउन बस। एंड के बाद एक डाउन फिर डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 फिर इसको थोड़ा टेम्पो कर दीजिए 1 2 3 4 मैं पहले एक एंड दे रहा हूं, देखिए 1 2 3 4 ये खेल लिया है डाउन 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 तो ओ एंड के बाद फिर इसको फुल चोक कर दिया, म्यूट कर दिया, बस लास्ट ब्रेक और म्यूट।